अब देखिए जागो इंडिया में किस तरह से ईवीएम को लेकर एक बार फिर से हंगामा बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए कि क्यों आखिर देरी से आंकड़े जारी किए गए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी सामने आकर पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। ईवीएम पर आपके सवाल, कहीं कुछ पक रहा है। चुनाव आयोग से आप नाराज, कहीं कुछ दाल में काला है। आपको साजिश की आशंका, कोई खेल चल रहा है अंदर अंदर। आम आदमी पार्टी कई तरह के शक सुबह से घिरी है। वोटिंग खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी करके ईवीएम पर सवाल उठा दिए। इस बीच बीजेपी नेताओं ने जीत के दावे करने शुरू किए तो केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ गई। जब कुछ समझ नहीं आया तो रविवार को पहले खुद केजरीवाल ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह चुनाव आयोग पर बरस पड़े। मतदान के प्रतिशत की पूरी जानकारी न देने को साजिश से जोड़ दिया। जब चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक डाटा नहीं दिया तो बीएल संतोष जो भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है उसको कैसे पता चल गया अंतिम दो घंटे में 17% वोट पड़े? आप मुझे बताइए कैसे उसको पता चल गया कि अंतिम दो घंटे में 17% वोट पड़े, जब चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से अभी तक कोई डेटा रिलीज नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री को कैसे पता चल गया? आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब देने के लिए आयोग को सामने आना पड़ा। कहा डेटा जमा कर रहे थे इसलिए देरी हो गई। ये जो डेटा है, क्योंकि जो ये डेटा है ये आता है पोलिंग स्टेशन से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो डेटा सबमिट करते हैं फॉर्म 17C, उसके आधार पर फिर सिस्टम में इस डेटा को डाला जाता है। तो एसी वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये डेटा सिस्टम में सुबह से डालने की प्रक्रिया चल रही थी और अब वो प्रक्रिया समाप्त हो गई है, पूरी हो गई है और हमारा जो वोटर टर्नआउट आया है वो है 62.59%। आम आदमी पार्टी के सवाल केवल मतदान के प्रतिशत को लेकर ही नहीं थे। संजय सिंह शनिवार शाम से ही ट्वीट पर ट्वीट करके ईवीएम की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। संजय सिंह ने शनिवार को दो वीडियो ट्वीट किए। एक वीडियो बस का था। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वीडियो में डीटीसी की बस दिख रही है। बस से कुछ कर्मचारी उतर रहे हैं और उनके हाथों में वोटिंग मशीन है। बस सड़क पर ही खड़ी है और उसके बगल से ट्रैफिक गुजर रहा है। हालांकि संजय सिंह ने ये नहीं बताया कि ये वीडियो किस जगह का है। उसी दौरान एक दूसरा वीडियो संजय सिंह ने पोस्ट किया जिसे बाबरपुर विधानसभा के सरस्वती विद्या निकेतन पोलिंग बूथ का बताया गया। आरोप है कि इस पोलिंग बूथ में एक कर्मचारी रिजर्व ईवीएम के साथ पकड़ा गया। जब ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम के अंदर जाके व्यवस्था है कि वहां पर ईवीएम उतारी जाएगी, आप बताइए सड़क पे कैसे ईवीएम उतारी जा रही है। दूसरा बाबरपुर का मामला था, वो कर्मचारी कह रहा है ये रिजर्व ईवीएम है। अरे भाई रिजर्व ईवीएम है तो तुम लेके इसको कैसे घूमोगे, अपने पास कैसे रख सकते हो? उस रिजर्व ईवीएम को तो कहीं ना कहीं जमा करना पड़ेगा। जो सेक्टर ऑफिसर था उसको दो लोकेशन असाइन थी और उसका जो एरिया था वो तंग गलियों वाला एरिया था। एक्चुअली सड़क से जहां गाड़ी खड़ी थी वहां से लगभग 500 मीटर का उसका पैदल रास्ता था। वो मशीन ला रहे थे गाड़ी में वापस स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाने के लिए ला रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसको देख के कुछ उनको ऐसा लगा कि ये पोल्ड मशीन तो जा चुकी हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, तो फिर ये एक और मशीन कहाँ जा रही है यहाँ से, तो इसलिए उन्होंने उनको पूछा और उनको उनको घेरा। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन उनको देवर नॉट सेटिस्फाइड। आम आदमी पार्टी के शक को तो चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया लेकिन बीजेपी ने इसके बहाने केजरीवाल की पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। वो तो देखिए अभी से वो ईवीएम को दोष देने लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को पता चल गया है कि वो हार चुके हैं लेकिन वो एग्जिट पोल के सहारे वो ईवीएम को दोष देने की योजना बना रहे हैं। उनका बयान आ रहा है कि 10 से ज्यादा सीट हुई तो ईवीएम खराब है। मतलब आपके पक्ष में आ गया तो ईवीएम ठीक है और बीजेपी के पक्ष में आ गया तो ईवीएम खराब है। आम आदमी पार्टी ने रिजर्व ईवीएम में धांधली का अंदेशा जताया था लिहाजा हमने इस वीडियो की पूरी तरह से पड़ताल की। पड़ताल में चुनाव आयोग की पर्ची भी हमें दिखाई दी जिस पर लिखा था प्रमाणित किया जाता है कि यह मशीन खाली है, इसका कोई उपयोग नहीं किया गया।
ये सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल है जो कि बाबरपुर विधानसभा में पड़ता है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया था 92, 93 और 94 नंबर, यानी 3 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए थे। और इसी पोलिंग स्टेशन का जो है वो वीडियो बताया जा रहा है जिसमें संजय सिंह ने ये दावा किया है कि एक शख्स जो है वो ईवीएम लेकर जा रहा है और ये पूरा अवैध तरीके से लेके जा रहा है। फिलहाल जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए हमने आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने ऐसा कोई ईवीएम ले जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ ये पूरी बात, ये पूरी घटना जो है सुनी जरूर है। इस वीडियो की पड़ताल में दोनों चीजें सामने आई। हमारे रिपोर्टर को कोई चश्मदीद नहीं मिला जो इस बात की तस्दीक करता हो। सब ने इसे सुनी सुनाई कहानी बताया और दूसरी तरफ एक बात और साफ हो गई कि ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। भास्कर मिश्रा और अभय पराशर के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली।